सो गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग एक मोटर ब्लॉग होगा मेरा एंटॉक रिक्स एचपी के ऊपर भी। तो आज एक माइलेज टेस्ट करूँगा क्योंकि मुझे कमेंट आ रहा था कि इसका माइलेज कितना है, एक्चुअल कितना देता है। तो मैं आज एक सिटी राइड करूँगा और एक्चुअल माइलेज टेस्ट भी होगा। तो फिलहाल आप देख सकते हैं मेरा एंटॉक यहाँ पर है। तो आज इसके ऊपर में एक वीडियो होगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। थैंक यू। तो गाइस अभी मैं फ्यूल अप के लिए जा रहा हूँ पेट्रोल पंप। तो पेट्रोल पंप पास में है, यहाँ से फ्यूल अप करेंगे, उसके बाद आज का सिटी राइड होगा और माइलेज टेस्ट भी होगा सिटी राइड का। तो यहाँ पर फ्यूल अप करते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरा, ये देख लीजिए, तीन लाइन खाली है। तो मैं इसको फुल करूँगा, उसके बाद लगभग 30 किलोमीटर तक चलाऊँगा आज, और उसके बाद मेज़र करेंगे फुल लोगे। देख सकते हैं गाइस फुल हो के यहाँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरा ये मीटर देख सकते हैं फुल हो चुका है। तो ट्रिप मीटर अभी 9 दिखा रहा है, तो इसको मैं 0 करूँगा। ट्रिप मीटर भी 143, इसको भी 0 करूँगा। तो देख सकते हैं गाइस ये भी 0 है अभी, और ट्रिप 1 और ए ये भी 0 हो गया। तो 355 रुपये का तेल आया, 3.56 लीटर। तो अभी मैं चला रहा हूँ, अब शुरू करेंगे यहाँ से राइट। तो आपको एक बात बता दूँ कि आज कट करके मैं वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि फुल वीडियो अगर दिखाऊँगा तो लेंथी हो जाएगा, ऑडियंस रिटेंशन भी नहीं रहेगा। तो जहाँ जहाँ पर लगेगा मुझे दिखाना है, मैं वही दिखाऊंगा जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो बढ़ते आगे। तो कंपनी क्लेम करती है 43 to 45 इसका माइलेज, इसका एक्चुअल माइलेज तो मुझे भी उतना ही दे रहा है अभी तक। तो मेरा स्कूटी 7000 किलोमीटर ज़्यादा चल चुका है अभी, तो वही 43-45 के आसपास अभी दे रहा है मुझे। तो आज देखना पड़ेगा कि एक्चुअल होता है या नहीं, क्योंकि आज प्योरली सिटी राइड होगा, सिटी राइड में कम ही देता है। और एक ट्रैफिक, तो परफॉर्मेंस के हिसाब से ये स्कूटी तो नंबर 1 है, एक नंबर, क्योंकि इसका रिव्यू वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो वो भी चेक कर सकते हैं आप लोग मेरा रिव्यू वीडियो। उसमें मैंने सब इसका सब डिटेल, एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसको ख़रीदना चाहिए या नहीं, वो सब मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो वो वीडियो भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो सर्विस का अच्छा ही है अभी तक। तो अब फ्यूचर में देखना पड़ेगा, जब 10,000 किलोमीटर पार हो जाएगा तो वो टाइम फिर एक रिव्यू वीडियो और माइलेज टेस्ट का वीडियो फिर मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो वो भी देख सकते हैं आप लोग इन फ्यूचर। तो मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। फिर से ट्रैफिक, तो रुकना पड़ेगा आप यहाँ पर कितना टाइम। तो आज तो इसका दिल खुल के माइलेज टेस्ट होने वाला है सिटी राइड में, क्योंकि जो मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा है।
ऐसा ही भीड़ भाड़ में चलाना था मुझे और देखना था इसका माइलेज अब आज वैसा ही हो रहा है, तो यहाँ थोड़ा स्पीड चलाना पड़ेगा क्योंकि पीछे से आ रहा है, मुझे हॉर्न दे रहा है छोड़ो छोड़ो बोलकर, मैं भी कहाँ छोड़ूंगा उसका रास्ता। हाँ जो कपाट, तो यहाँ से राइट लेंगे, गुरु बस्ती होके जाएंगे आज, प्रधान नगर चंपासरी होके जाना पड़ेगा। एक्चुअली मैं जा रहा हूँ देवी डंगा, तो यही रोड से आज जाऊँगा मैं। एक्चुअली ये शॉर्टकट भी है और यहाँ पर जाम भी मिलता है, तो माइलेज टेस्ट के लिए तो मुझे ऐसा ही रोड चूज़ करना था, तो मैं यहाँ से ही जा रहा हूँ। तो एक्चुअली ये रोड इतना छोटा है और वन वे भी नहीं है, तो आने वाले दिन में यहाँ पर भी वन वे हो सकता है। और उसके बाद ट्रैफिक का समस्या सॉल्व हो सकता है, तो फिलहाल तो अभी ऐसा ही जाना पड़ेगा क्योंकि जैसा देश वैसा भेस। देख लीजिए गैस, देख लीजिए जाम हो, ये देख लीजिए ये बाइक। देखा गाइस, देखा ये लोग का चलाने का मैनरिज्म, अभी लग जाता इसको भी लग जाता मुझे भी लग जाता, मगर ये स्कूटी का ब्रेकिंग इतना लाजवाब है इसलिए बच गया। तो आज एक ब्रेकिंग परीक्षा भी हो गया, ब्रेकिंग परीक्षा में पास। जोक अपार्ट, नहीं सच में गाइस का ब्रेकिंग जबरदस्त है, सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम बोलता है इसको, तो इसमें सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया हुआ है। तो फिलहाल मैं अभी दार्जिलिंग मोड़ क्रॉस कर चुका हूँ, तो एक्चुअली आया था नौका घाट होके, तो जा रहा हूँ दार्जिलिंग मोड़ होके, यहाँ से ज़्यादा किलोमीटर होगा अगर यहाँ से जाएंगे। तो गाइस आज इतना ज़्यादा जाम है, तो रियल माइलेज टेस्ट होकर ही रहेगा क्योंकि इतना ज़्यादा जाम था, तो आपको दिखा नहीं पाया मैंने आप लोगों को, तो थोड़ा स्किप भी करना ही था नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो गाइस मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, मेरा कैमरा का बैटरी डाउन होने वाला है, तो जितना हो सके मैं चलाऊंगा, जितना रिकॉर्डिंग हो सकता है, तो बाद में कुछ ना कुछ जुगाड़ करूंगा मैं। तो आज आपको जितना हो सके मैं करके दिखाऊंगा। तो फिलहाल सिटी सेंटर पहुंच चुका हूं मैं अभी, तो यहां से अब भगाएंगे हम नॉन स्टॉप। देख सके गाइस यहाँ पर चेंजेस, अभी यहाँ पर नया रोड बन रहा है, आप लोग देख सकते हैं इतना ज्यादा विंड ब्लास्ट हो रहा है आज। ये चेक कर सकते हैं गाइस आप लोग ये वाला, तो अभी मैं बालासन ब्रिज होके जा रहा हूँ, तो ये बस मुझे रास्ता ही नहीं दे रहा है, इसका पीछे पीछे जाना पड़ रहा है कब से। तो गाइस मैं अभी रानीडंगा होके जाऊंगा क्योंकि यहाँ से जाने से थोड़ा ज्यादा किलोमीटर मुझे मिल सकता है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ मेडिकल मोड और यहाँ से रानीडंगा जाएंगे, यहाँ थोड़ा आगे से लेफ्ट लूंगा मैं और वहाँ से मेडिकल पहुंचाऊंगा,
मैं वही पेट्रोल पंप जाऊंगा जहाँ से मैंने सुबह फ्यूल अप किया था, तो 30 किलोमीटर पहुंच जाएंगे। तो 30 किलोमीटर में आज का माइलेज टेस्ट होगा कितना एवरेज दे रहा है मुझे। तो यहाँ से जाएंगे अंदर। तो गाइस मैं भी यहाँ पर रुका हुआ हूँ रानीडंगा में। तो मैं आपको बता दूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 29.5 किलोमीटर चल चुका है और मेरा बैटरी भी अब 9% खाली रहा, तो बैटरी भी डेड होने वाला है। तो मैं कोई जुगाड़ करूँगा, मगर आप लोगों का आज ये माइलेज मैं ट्राई करूँगा दिखाने के लिए कितना देता है ये। A few inches later. तो फाइनली गाइस मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 32.6 किलोमीटर चल चुका है, कितना भरा है आप लोग देख सकते हैं। ओके ना, कितना जाएगा जितना जाते हैं उतना कर लो क्या, जितना फोन पे फोन पे फोन। तो आप लोग देख सकते हैं कितना आया। फाइनली गाइस मैं यहाँ पेट्रोल पंप से फ्यूल अप कर लिया, तो 0.66 लीटर का फ्यूल मैंने डलवाया 70 रुपये का। तो अभी माइलेज टेस्ट करते हैं, फिलहाल मैं आप लोग को दिखाऊंगा। ये आप लोग देख सकते हैं अभी ये फुल हो चुका है, ये देख लीजिए 32.6 किलोमीटर चल चुका है। तो मैं अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कितना होता होता है। तो आज का माइलेज टेस्ट वीडियो यहाँ पर एंड होता है। तो मैं बता दूँ आपको कि टोटल मैंने कितना 32.6 किलोमीटर चलाया और रिफिल हुआ 0.66, तो 70 रुपये का रिफिल किया मैंने। तो मुझे मिला अनएक्सपेक्टेड, वो मैंने इमेजिन भी नहीं किया था, 49.63 किलोमीटर का एवरेज मुझे मिला। तो आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आपको माइलेज चाहिए, पावर चाहिए और परफॉर्मेंस चाहिए, तो एंटॉक रेस एक्सपी इज़ द बेस्ट। तो मैंने आपको लाइव प्रूफ आज करके दिखाया, आज सिटी राइड किया, फिर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा हाईवे राइड करके। तो अपना वीडियो मैं यहाँ पर एंड करने जा रहा हूँ। तो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल नया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टिल दैट गुड बाय।